तीसरी एक बात केविन क्रूज लिखते हैं कि ऐसे महापुरुष अति कार्य कौशल व्यक्ति वे अपने जीवन में कभी समय नहीं बिगाड़ते हैं, और अगर आपने अपना समय ऐसे ही फिजूल बिगाड़ दिया तो अभी तो शायद आपको ज्यादा उसकी असर महसूस नहीं होगी, लेकिन बुढ़ापे में जब आप बैठे होंगे अकेले, अपने पूरे जीवन को तराजू पे रखते होंगे, अपने कोई मित्र जो आपके साथ थे युवा अवस्था में, अपना समय का सही उपयोग करके, पुरुषार्थ करके कहीं आगे चले निकले, उस वक्त आपके जीवन में रिग्रेट्स, पश्चाताप आएगा कि एक समय मेरे पास भी यही सब बातें थी, समय था, अगर मैं चाहता तो उसका सही उपयोग कर सकता था, लेकिन मैंने फिजूल बेकार का यह समय बिगाड़ दिया। तो आज मुझे इतनी उपलब्धि जीवन में नहीं है जितनी उपलब्धि मेरे मित्र के पास है, और यह रिग्रेट आपको अपने हृदय में हमेशा के लिए रहेगी, दुख रहेगा। तो यह जानना बहुत जरूरी है कि डोंट वेस्ट योर टाइम, प्लान कर दो, टू डू लिस्ट बना दो, और टू डू लिस्ट भी केविन क्रूज लिखते हैं रात को बना के सोना कि कल सुबह उठ के, मतलब कल सुबह से शाम तक मेरा ये टू डू लिस्ट है, ये करना है, ये करना है, ये समय पे करना है, एंड ट्राई टू स्टिक टू इट मैक्सिमम। तो शाम तक कहीं काम निपट जाएंगे, आपको भी संतोष और आनंद आएगा कि कुछ अच्छा काम हुआ, तो इससे बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक और अच्छी बात केविन क्रूज लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है ये, मतलब कि जो मुख्य व्यक्ति है उनके नीचे पूरी टीम होती है, लेकिन मुख्य व्यक्ति के मन में जिस वक्त जो विचार आया कार्य संबंधी, कोई सुझाव संबंधी, तो वे लोग की ये आदत होती है कि उसी वक्त उस पे वे एक्ट कर लेते हैं और छोटी छोटी बातें आगे बढ़ाते रहते हैं, जिसको जो सूचन करना है कर लेते हैं। ऐसे ही घूमते घूमते बाहर निकले और कोई व्यक्ति सामने आए, उसको कुछ कहना है, वहीं कह देते हैं, ऐसा नहीं कि जब मीटिंग होगी तब कहेंगे, नोट कर लेते हैं, तो याद रखने में, नोट करने में, मीटिंग के वक्त फिर से दोहराने में कहीं समय बिगड़ता है। यहां तक कि प्रिसाइज प्लानिंग ऐसे महापुरुषों के जीवन में साहजिक होती है। प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में यह आदत थी, ब्रीफ हडल्स, मतलब तुरंत ही कोई छोटी सी भी बात हो कह देना, कार्य आगे बढ़ा देना, सुझाव कर देना, वहां मीटिंग चालू करवा देना,